शादी हो या बर्थडे पार्टी, आजकल हर कोई एक ऐसी ड्रेस पहनना चाहता है जो सबसे अलग हो, और इसके लिए हमें कई बार बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए इसका सलूशन लेकर आया हूँ। सलूशन है पोशाक द शादी हाउस। इनका कॉन्सेप्ट ये है कि आप महंगे से महंगी ड्रेस लीजिए, पहनिए, किराया दीजिए और ड्रेस वापस कर दीजिए। तो आज हम आपको इस शॉप का रिव्यू देने वाले हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरह की ड्रेसेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, आपको कितना रेंट देना होगा और कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशन है। तो चलिए शॉप के अंदर चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं पोशाक द शादी हाउस, ये रहे शॉप के ओनर। तो चलिए इनसे बात करते हैं और पता करते हैं सारी चीज़। तो सर, क्या नाम है आपका? माई नेम इज़ आमिर। देखिए, मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ और मैं अक्सर दुकानों का रिव्यू करता हूँ, जिससे कस्टमर को आप तक पहुंचने में आसानी हो और आप भी कस्टमर तक आसानी से पहुंचते हैं। तो ये है शॉप के मालिक आमिर भाई। तो आमिर भाई, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, पोशाक द शादी हाउस, आप इसमें किस तरह की सर्विस कस्टमर को देते हैं? भाई, हम यहाँ पर इस तरीके की सर्विस देते हैं, जैसे बच्चों से लेके बूढ़े तक, लेडीज़ और जेंट्स दोनों डिपार्टमेंट में हम पूरी सर्विस देते हैं। हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट जो है वो शादी के कपड़े होते हैं, जितने भी आपके पार्टी वेयर ड्रेसेस होते हैं, जैसे लेडीज में आ जाएं आप, गाउन्स हो गए, लहंगे हो गए, ड्रेसेस हो गई, अपर डाउन हो गए, ये इस तरीके की जो होते हैं। बच्चों के भी अवेलेबल हमारे पास लहंगे रहते हैं, 10 से 12 साल 15 साल के जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए भी लहंगे गाउन्स वगैरह रहते हैं। उसके बाद में फिर लहंगे हैं, लांचे हैं, तमाम तरीके की ड्रेसेस जो होती हैं आजकल न्यू फैशंस की, ऑल ओवर इंडिया की, और यहाँ तक कि इंडिया के बाहर के भी आइटम हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। एक्चुअली में हमारा काम एक्सपोर्ट का भी है और हमारे कुछ आइटम लहंगे वगैरह ड्रेसेस वगैरह आउट ऑफ इंडिया फॉरेन लंदन वगैरह भी जाते हैं। तो कस्टमर अगर उसको डिमांड करता है तो हम उसको वो चीज़ भी कस्टमाइज करके दे देते हैं। जैसे अगर उसने कहा कि कुछ ड्रेस मैंने डमी पे लगवा रखी हैं, हमारे जो बाहर पीस जाते हैं फॉरेन में, तो उसको भी हम रेंट पे एक एक डेढ़ डेढ़ लाख रुपए के पीस जो होते हैं उनको भी हम रेंट पे दे देते हैं, एज अकॉर्डिंग टू चॉइस ऑफ कस्टमर्स। आपके पास हर तरह की सर्विस है और सर्विस हर तरह की पैसा। हाँ, अगर आपको बाई करना है, अगर आप मन बना के हैं कि मुझे नया खरीदना है, तो आप बाई सेक्शन में जाएंगे, एक से एक अच्छी वैरायटी आपको अवेलेबल होगी। अगर आप मन बना के आए कि आप, जैसे सपोज करिए आपने मन बनाया हुआ है कि मुझे 5,000 की रेंज में कोई लहंगा रेंट पे लेना है जी, ठीक है ना, तो आपको जब आप यहाँ पर हमारे पास आएंगे, आप एक से एक अच्छी वैरायटी हमारे पास देखेंगे तो आपको खुद दिख जाएगा कि हमारे पास 5,000 का मन बना के आता है आदमी, तो हम उसको 3,000 रुपए में इतनी अच्छी चीज़ अवेलेबल कर देते हैं जो मार्केट में वो 10,000 और 8,000 में भी नहीं ले पाता है। तो कस्टमर को बहुत फायदा है, यानी कि आपका कहना ये कि जो चीज़ मार्केट में 10,000 रुपए में अवेलेबल है उसको आप कस्टमर को 3 से 5,000 के बीच में देते हैं। बिल्कुल। तो ये कस्टमर के लिए काफी ज्यादा फायदे की बात है कि जो चीज़ आपको मार्केट में मिलती है बहुत महंगी, वो यहाँ पर आपको आपकी मर्जी की बहुत कम दाम में मिल जाएगी। आपके यहाँ पर कोई कस्टमर आता है और उसे कोई भी आइटम, जैसे मान लीजिए शेरवानी टंगी हुई है, तो उसे कम से कम कितने रुपए जमा करने पड़ेंगे एक शेरवानी के लिए, और कितने रुपए रेंट लगेगा, और क्या टर्म एंड कंडीशन है, कितने दिन में उसको वापस करना होगा, जिससे हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको यहाँ पर आने में और आपके यहाँ से कोई भी चीज़ लेने में उनको आसानी हो जाए। देखिए, हमारे पास 999 रुपए से लेकर के 11,999 रुपए तक रेंट पे अवेलेबिलिटी रहती है शेरवानी में, और हमारे पास वैरायटी तो मैंने आपको बताया सारी अवेलेबल रहती है। सिक्योरिटी मनी मैं जमा करता हूँ, जैसे सपोज करिए कोई शेरवानी है, किसी व्यक्ति ने वो शेरवानी मुझे 5,000 रुपए रेंट पे ली, ठीक है ना, तो उसके साथ में सिक्योरिटी मनी मिनिमम 5,000 जो है वो जमा होती है। वो सिक्योरिटी मनी जो उसका रेंट है उसके अनादर होती है, वो वापस करने रिफंडेबल होती है। जब आप जिस डेट पे आपके शादी है या जो भी फंक्शन है, जब आप वो शेरवानी लेने आएंगे तब आपको वो सिक्योरिटी मनी जमा करना होगी। नेक्स्ट डे जब आप वापस देंगे तब वो सिक्योरिटी मनी आपकी वापस हो जाएगी। 5,000 की शेरवानी के साथ में 5,000 रुपए सिक्योरिटी मनी जमा होती है। इसी तरीके से जिस तरीके से रेंट बढ़ता जाता है, सिक्योरिटी मनी भी बढ़ती चली जाती है। तो क्या रेंट जो है और सिक्योरिटी, क्या दोनों डबल रहेंगे? जैसे मान लो कोई व्यक्ति, कोई इंसान अगर 3,000 की शेरवानी किराए पर लेता है, तो क्या उसको 6,000 रुपए एट द टाइम ऑफ रिसीविंग देना पड़ेंगे? नहीं, 3,000 तो उसका रेंट हो गया जी, उसके अलावा 5,000 रुपए उसको रिफंडेबल मनी होती है सिक्योरिटी, यानी जमानत के पैसे जी। 5,000 जो है फिक्स प्राइस है सिक्योरिटी के। हाँ, मिनिमम मिनिमम मिनिमम। अगर उसके बाद में अगर और कॉस्टली वो शेरवानी पसंद करता है तो 10,000-15,000 रुपए तक जाती है सिक्योरिटी मनी। जब कोई कस्टमर शेरवानी या फिर कोई भी आइटम वापस करने आता है अगर रेंट पे उसने लिए, तब तो उसकी क्या टर्म एंड कंडीशन? बस मैं तो यही उम्मीद करता हूँ, मैं वेल देता हूँ उसको, और मेरे कस्टमर्स भी ऑल ओवर जितने भी हैं सब बढ़िया तरीके से ले जाते हैं, बढ़िया तरीके से लाते भी हैं। थोड़ा बहुत कभी कभी कोई कस्टमर ज़्यादा गंदी कर लाता है तो उसके लिए हम लोग मैनेज करते हैं, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। ऐसा कोई दाग जो छूट नहीं सकता है ड्राई क्लीन से भी या अदर, उस
तो फिर जितना कस्टमर हमारे बीच में मैनेजमेंट हो जाता है उतना वो रिफंड होता है। वैसे ज़्यादातर हम ये करते हैं, कस्टमर को चार्ज नहीं करते हैं, चार्ज नहीं करते हैं। हम खुद उसको एडजस्ट करते हैं। जो शेरवानी लहंगे या कोई भी आइटम आपके पास कस्टमर वापस देकर जाता है तो क्या आप उसको मतलब ऐसे ही उठाकर टांग दिया या फिर आपकी क्या प्रोसेसिंग रहती है कस्टमर के लिए, क्या आपके पास फैसिलिटी है? देखिए कोई भी आइटम हमारे पास बिना ड्राई क्लीन होके नहीं चलता है। अगर आपके पास एक घंटे के लिए भी किसी के पास कोई आइटम गया तो उसके बाद भी ड्राई क्लीन कंटिन्यू उसमें होना ही होना है। अच्छा। 100% उसके अंदर बिना वॉशेबल हुए हम किसी भी चीज़ को अपने यहाँ नहीं टांगते हैं। ए से लेके जेड तक जितनी भी एसेसरीज होती हैं, 9-10 पार्ट्स होते हैं शेरवानी के पूरे सेट के अंदर। अच्छा। पगड़ी से लेके जूते तक तो सब पूरे मैं ओके करके रखता हूँ, साफ सुथरे एकदम क्लीन करवा के रखते हैं। पूरा स्टाफ उसके लिए अलग है। ठीक है, ये तो बात हो गई शेरवानी की और कोई भी नॉर्मल आइटम रेंट पर लेने की या फिर खरीदने की। अगर कोई ब्राइडल आइटम लेना चाहे, दुल्हन के लिए कोई लहंगा लेना है, कोई और आइटम लेना है, तो वो आपके पास क्या फैसिलिटी है? देखिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया जेंट्स में, सेम उसी तरीके से लेडीज़ में भी होता है। लेडीज़ में वैरायटी लहंगे होते हैं इसलिए लेडीज़ के लिए वैरायटी अनएक्सपेक्टेड होती है, बहुत ज़्यादा होती है। शेरवानी में भी होती है लेकिन लेडीज़ में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, लहंगा हमारे पास सेल में 3,000 रुपये से स्टार्ट है और 270,000 रुपये तक का लहंगा हमारे पास ड्रेसेस रहती हैं। अच्छा, हैंड वर्क की। ठीक है ना, रेंट स्टार्ट हमारा वही सेम कंडीशन लहंगे में 1,500 रुपये से रेंट स्टार्ट हो जाता है और वो जाता है आपका 20,000 रुपये तक रेंट। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है शादी बरात में लोग इतना महंगा लहंगा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन हर कोई चाहता है कि वो अच्छे से अच्छा अपनी शादी में लहंगा पहने जो सबसे अलग हो। तो आपको ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने, आपको सबसे बेस्ट चीज़ भी लेनी है, आपको एक ऐसा लहंगा भी मिल जाएगा जो सबसे अलग हो, आपको थोड़ा सा रेंट देना है और फिर वापस कर देना है। कामर भाई एक क्वेश्चन मेरे माइंड में ये आ रहा है कि अभी आपने कहा था कि शेरवानी का जो रेंट है मिनिमम वो 999 है और लहंगे का जो रेंट है वो 1500 से स्टार्ट है अप्रॉक्स, तो इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न भैया ये है कि शेरवानी में ज़्यादातर अल्ट्रेशन नहीं होती है और लेडीज़ कस्टमर में अल्ट्रेशन होती है। क्या लेडीज़ कस्टमर को अगर 1500 पे भी रेंट पे मुझे लहंगा देना है तो उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग उसका ब्लाउज़ कराना पड़ता है, उसकी वेस्ट के अकॉर्डिंग उसका लहंगा कराना पड़ता है, पूरा अल्ट्रेशन पूरे लहंगे में कराना पड़ता है। अच्छा, मतलब आप पूरी फिटिंग या पूरा साइज़ करके देते हैं जो भी कस्टमर? ज़्यादातर शेरवानी में नहीं कराना होता है जेंट्स में, लेकिन लेडीज़ में कराना पड़ता है इसलिए उसमें ज़्यादा खर्चा आ जाता है। अच्छा, तो ये रीज़न है। और ज़्यादातर ज्वेलरी भी हम उसके साथ में दे देते हैं। चलिए अब चलते हैं ड्रेसिंग एरिया में और देखते हैं यहाँ पर किस तरह के आइटम्स अवेलेबल हैं। तो जैसे यहाँ पर ये शेरवानी टंगी हुई है तो किस रेंज की शेरवानी है? कस्टमर अगर ये वाली शेरवानी किराए पर लेता है तो उसे कितने रुपए देना होंगे? देखिए ये माइक्रो कॉटन माइक्रो के ऊपर है, बहुत प्यारी दरदोजी की हैंड वर्क की शेरवानी है जी। इसके साथ पूरा कंप्लीट सेट होता है, ओनली शेरवानी नहीं, इसके साथ 9 आइटम्स होते हैं, पगड़ी से लेके माला से लेके जूती से लेके कटार तलवार सब कुछ पूरी एसेसरीज का सेट है। ये 5000 की रेंज में है जी। ये बहुत ही प्यारी शेरवानी 5000 रुपए की रेट में। आप इसको निकाल कर दिखा सकते हैं? हाँ, अब तो और ही ज्यादा अच्छी लग रही है। ये हैंड वर्क है, देखिए टोटल। अच्छा, टोटल हैंड वर्क है, ये सारा हाथ से किया हुआ काम है। पूरा सेट के ओनली अभी पूरा सेट आप लेना चाहते हैं, जैसे आप दूल्हा नहीं है जी और किसी और की शादी में पहनना चाहते हैं, ये ऐसी शेरवानी है कि आप किसी दूसरे की शादी में पहन सकते हैं, तो इसका रेंट आएगा 3000 ओनली। तो दूल्हे के लिए अगर ले जाएंगे तो 5000 रुपए दूल्हे का पूरा सेट मिलेगा। अच्छा, आप मतलब पूरा सेट देंगे, उसमें पगड़ी भी होगी, उसमें माला भी होगी, उसमें जूती भी होगी, जूती उसमें कटार भी होगा सब, उसके 2000 रुपए बढ़ जाएंगे जी। हाँ जी, ये व्हाइट में व्हाइट ऑफ व्हाइट कलर की ये शेरवानी है, हैंडमेड इसके अंदर टोटल काम है, ये अच्छा। लखनऊ की कारीगरी का काम है, यही पूरा हाथ से किया हुआ है, पूरा हाथ से किया और ये हैंडमेड है टोटल। ये पहले नेट के ऊपर वर्क किया जाता है, उसके बाद में फिर इसको फ्यूजिंग कराई जाती है, पेस्टिंग करा के ये पूरी चीज तैयार होती है, तो इसमें काफी टाइम भी लग जाता होगा। बहुत टाइम आता है, ये बहुत ही कॉस्टली शेरवानी है। तो आमिर भाई इसकी कॉस्ट क्या है, अगर कोई इसको रेंट पर लेना चाहे? बेस्ट रेंट आएगा वो 6000 आएगा। 6000 रुपीस पूरे सेट का? पूरे सेट का। अगर कोई पूरा सेट ना ले? पूरा सेट ना ले तो आप मान लीजिए 4000 रुपीस, यानी कि वो 2000 रुपए एक्स्ट्रा इस बात के लगते हैं कि आप उसको पूरे दूल्हे वाले ड्रेस में देते हैं। पूरा कंप्लीट मान्यवर का कलेक्शन है ये।
अच्छा, जो मान्यवर मान्यवर का भी कलेक्शन हम अपने पास रखते हैं। अच्छा, मान्यवर का, रेंज रोवर का, ये सब कलेक्शन हमारे पास रहते हैं। ये मान्यवर का डिजाइन है, काफी खूबसूरत है ये भी। क्या इस पर भी हैंड वर्क है? ये भी हाथ से किया? ये हैंड वर्क नहीं है, ये मशीन वर्क है, बट इसमें थोड़ी सी टचिंग की हुई है। कॉलर पे हैंड वर्क किया हुआ है। अच्छा। और बटन्स पे हैंड वर्क किया हुआ है। बटन इसके काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। इसका 3800 रेंट है। ये तो होगी दूल्हे के लिए बात। और जैसा कि यहाँ पर पूरा आइटम है, अलग अलग तरह की पगड़ी भी लगी हुई है और वहाँ पर जूती भी है और डिफरेंट टाइप की, मतलब पूरी कम्प्लीट तैयारी आपकी एक दूल्हे को बनाने की, राइट? जी। तो अगर मैं चाहूँ कि अपने कस्टमर को दिखाना चाहूँ कि दुल्हन के लिए आपने कहा था कि वो 1500 रुपये आप लेते हैं मिनिमम, तो वो किस तरह का आइटम है? बिल्कुल दिखाते हैं आपको, आइए। उसके लिए क्या अलग से कहीं जाना पड़ेगा? अलग सेक्शन है उसका पूरा, फर्स्ट फ्लोर पे। ये काफी डिफरेंट है। यहाँ पर भी शेरवानी लगी हुई है, बहुत खूबसूरत है। देखिए लहंगा लगा है जमीन पे, हैंडमेड, पूरा कंप्लीट हैंडवर्क का लहंगा है ये। पूरा फुल्ली हैंडमेड, कॉटन वाली माइक्रो वेलवेट के ऊपर ये पूरा लहंगा बना हुआ है जी। मेहंदी ग्रीन कलर का है जो आजकल चल रहा है जी। ये सबसे लेटेस्ट डिजाइनों में से एक डिजाइन है, बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, टोटली हैंडमेड। तो ये आप रेंट पे देते हैं या फिर ये कस्टमर को सेल के लिए बनाते हैं? देखिए, कोई कस्टमर अगर इसके ठीक ठाक रेंट देता है तो मैं रेंट पे भी दे देता हूँ। जैसे सपोज करिए ये लहंगा 38,000 का है। अच्छा, ठीक है ना। और कोई कस्टमर की इतना बजट नहीं होता है तो हम उसको निराश नहीं करते हैं। हमारा उद्देश्य यह है, सर्विस किसी भी कस्टमर को हमारे यहाँ से निराश होकर जाना नहीं है। अगर उसके पास बजट नहीं है, इतना वो खर्च नहीं कर सकता है, लेकिन वो निराश को करना हमारा काम नहीं है। हम अपने यहाँ से उसको खुश करके भेजना चाहते हैं, तो हम उसको ये रेंट पे भी दे सकते हैं। और तो रेंट की क्या कीमत हो, कितने रुपए पे रेंट पे आप देंगे इसे? ये पूरा स्टिचिंग कराना पड़ता है, पूरा ब्लाउज सिलवाना पड़ता है, पूरी फिटिंग आप करा कर देंगे? कंप्लीट फिटिंग कराना पड़ेगी, लहंगे में लेस, लटकन, लट्टू वगैरह, अदर ऑल एक्सेसरीज जो होती है वो सब कंप्लीट करके अटैची में पैक हम बिल्कुल देते हैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर साइज। अच्छा। तो उसको कराने के बाद पूरा देते हैं। इसका रेंट रहता है नियर अबाउट, बेस्ट से बेस्ट रहेगा 7500 पूरा। इसमें 2000 रुपए तकरीबन भैया आ जाते हैं कस्टमर की फिटिंग के सिर्फ, पूरा। यानी कि वो आपके पास नहीं आते हैं, वो आप किसी और को देते हैं फिटिंग के लिए? होता है पूरा। अच्छा, टेलर चार्ज। पूरा लहंगा सिलता है, दुपट्टा सिलता है, ब्लाउज आपका सिलता है, उसके बाद में हम अच्छी एक्सेसरीज यूज करते हैं, लगभग मान लीजिए 1500 रुपए तकरीबन की एक्सेसरीज यूज करते हैं जी। जगह अगर आप 38,000 रुपए का लहंगा कोई खरीदते हैं तो उसमें भी आपको ये पहनने के लिए ये सब चीज खर्चे करना पड़ते हैं, लहंगा, ब्लाउज, दुपट्टा सब सिलवाना होता है। ये जो रेट है 38,000 ये कच्चे लहंगे के, यानी विदाउट स्टिचिंग के हैं। इसमें 4,000 रुपए तकरीबन खर्चा आता है पूरा एक्सेसरीज और पूरा कंप्लीट लहंगा स्टिच होने के बाद डबल कैन कैन के साथ, बढ़िया। अच्छा। और हम जब रेंट पे देंगे 7500 में तो हम पूरा सिलवाक देते हैं, 4,000 रुपए इसमें हम खर्चा करते हैं। हमारे पास सिर्फ 3,500 रुपए आएंगे 7500 रुपए रेंट लेने के बाद। सपोज करिए आप कितना प्यारा लहंगा, कितनी हैवी रेंज का, 38,000 के आसपास, 38 का कच्चा लहंगा और 43,000 के करीब का लहंगा फिटिंग 7,000 में जी। तो अंदर भी आपने क्या ब्राइडल के लिए बनाया हुआ है? आइए आइए। ये सेक्शन आपने बनाया ब्राइडल के लिए? या। यहाँ पर तो काफी ज्यादा अच्छी डिजाइन लगी हुई है लहंगे की। तो ये सारे लहंगे क्या रेंट के लिए हैं या बेचने के लिए हैं या आपके पार्सल के हैं या आपको ऑर्डर पर लगाना है, इनके बारे में बताइए हमें। ये जो एरिया है सब बाई का एरिया है, अगर आपको लहंगा खरीदना है तो आप इस सेक्शन में आइए और एक से एक प्यारे लहंगे हम आपको प्रोवाइड करेंगे जी। एक से एक प्यारे लहंगे हैं, आप देख सकते हैं सब एक से एक खूबसूरत लहंगे होंगे। अगर आप जो बताएं मैं वो लहंगा आपको निकाल के दिखाऊंगा जी। सब न्यू डिजाइन हैं, हमारी ड्रेस यूज होती है। ये मैंने ड्रेस बनाई है, सपोज करिए ये देखिए, ये टोटली हैंडमेड है, पूरी हाथ से बनी हुई है, पूरी हाथ से बनी हुई, दरदोजी का काम है ये पूरा देखिए। इसकी क्या कॉस्ट होगी भाई? ये 65,000 की है पूरी गाउन, 65,000 की। जैसा कि आमिर भाई, ये जो सामने जो लहंगा लगे हुए हैं ये भी आपने शायद बेचने के लिए बनाए होंगे या फिर रेंट के लिए हैं? ये बिल्कुल नए लहंगे हैं, ये सब गर्लिश लहंगे हैं, साइड लहंगे, पार्टी में दूल्हा की बहन, दुल्हन की बहन और जब जो बराती होते हैं उनके ये सब मोस्टली लहंगे हैं।
ये टोटली न्यू है, कोई कस्टमर अगर इनको रेंट पे लेना चाहेगा तो रेंट पे भी अवेलेबल हो जाएंगे, निराश नहीं करेंगे उनको। देखिए कितना प्यारा आर्टिकल है जी, ये तो वाकई में बहुत खूबसूरत है। आ जाओ, लहंगे की यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटीज हैं और मेरे ख्याल से आपने ऐसा लहंगा शायद ही देखा हो। और सबसे ख़ास बात इसमें ये है कि इस पर जो किया गया वर्क है वो सारा हाथ से किया गया है, इसमें मशीन का यूज़ नहीं किया गया है। ये देखिए, ये एक और पीस इन्होंने खोला है और काफ़ी ज़्यादा इसमें वर्क किया गया है। तो हाँ मतलब अभी जो लहंगा आप हाथ में पकड़े हैं इसकी क्या कॉस्ट है? इसकी भैया कॉस्ट आएगी 12,800 रुपये। 12,800 रुपये? जी हाँ। तो इसको क्या कहते हैं, मतलब इस लहंगे ये कौन सी कैटेगरी में आता है? ये लहंगा भैया हैंड प्लस मशीन दोनों कैटेगरी के मिक्स होके बनाया जाता है। ये बजट को देख के खूबसूरत लहंगे हमने सेट कराए हैं, ये हमारी खुद की डिजाइनिंग है, हमारे प्रिंटर डिजाइनर लगे हुए हैं और हम ये नेट से निकाल के बड़े बड़े डिजाइनरों के डिजाइन को बनाते हैं। जो लहंगे आपको 1-1 लाख रुपए के मिलते हैं मार्केट में, उन लहंगों को हम 12,000 से 13,000, 10,000, 11,000 की रेंज में अपने कस्टमर को दिखाते हैं और उनको डिलीवरी देते हैं, जिनसे कम पैसे में अच्छा से अच्छा काम, अच्छी से अच्छी सर्विस उनको मिल सके। देखिए कितना प्यारा आर्टिकल लग रहा है जी। जो आपने अभी मुझे लहंगा दिखाए हैं ये ब्राइडल लहंगा है, तो ब्राइडल के अलावा और भी कोई वैरायटी है? जी हाँ बिल्कुल, दुल्हन के अलावा जो साइड के लोग लहंगे होते हैं नॉन ब्राइडल लहंगे, बहुत बड़ा कलेक्शन हमारे पास, बहुत बड़ी वैरायटी अवेलेबल है। स्टार्टिंग करते हैं आपको दिखाने की, ये लहंगा दिखाई दिया येलो कलर में, येलो कलर ये देखिए। इसकी कॉस्ट क्या होगी? इसका रेट आएगा भैया 6,000 रुपये। Only 6,000। और पूरा सेट इसके साथ रहेगा? लहंगा, दुपट्टा, ब्लाउज। अच्छा, इस 6,000 रुपीज़ में क्या आप फिटिंग करा कर देंगे कस्टमर के लिए या फिर कस्टमर अपने खर्चे पर फिटिंग कराएगा? फिटिंग करा के देंगे 6,000 में, यानी कि उनको खुश करके भेजेंगे। फिर अगर हम 6,000 के अलावा अगर यहाँ पर फिटिंग के चार्जेस लेने लगे फिर पोशाक पे आने से फायदा क्या? यानी किसी भी मतलब चीप एंड बेस्ट, सबसे अच्छा। आप कानपुर चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, हमारे पास भैया आपके तमाम अच्छे से अच्छे कस्टमर्स लखनऊ और कानपुर के भी कस्टमर आ रहे हैं वहाँ मार्केट को छोड़ करके, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरर हैं, हम बनाने वाले हैं, हम सप्लाई देते हैं दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, सब जगह, और हमने ही ये रिटेल का काम डाला है अपने फरखाबाद के लोगों को, आसपास के लोगों को अच्छे से अच्छा चीज़ अच्छे से अच्छे बेस्ट रेट में देने का। चलिए भैया मैं आपको एक और प्यारा ब्राइडल का लहंगा दिखाता हूँ, कॉलर करके सिर पे भैया खोलिए इसको। ये एक और ब्राइडल लहंगा, रानी कोरल हैंडमेड दरदोजी वर्क, सिल्क के ऊपर ये लहंगा है, देखिए बहुत शानदार। तो आमिर भाई इसकी कॉस्ट भी बता दीजिए जिससे कि हमारे कस्टमर एक आइडिया ले सकें कि किस तरह से। इसकी कॉस्ट आएगी भैया 25,000 रुपीज़। ये दरदोजी का लहंगा है हैंडवर्क का, ये कॉस्ट जो भैया हम आपको 25,000 दे रहे हैं वो हम इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि हम इसको बनाने वाले हैं, ठीक है ना? यानी कि आप अपने यहाँ पर खुद सारा कपड़ा लाकर इसकी डिजाइन बनाकर सब कुछ, जो भी आप हमारे यहाँ देख रहे हैं वो आपको हमारे अलावा कहीं और नहीं मिलेगा क्योंकि हम इसको मैन्युफैक्चरर हैं। इसका रिटेल का रेट हम देते हैं होलसेलरों को दिल्ली के अंदर, होलसेलर देते हैं रिटेलर को, रिटेलर फिर देते हैं कस्टमर्स को, और ये हमने जो अपना खोला है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर, तो आप समझ लीजिए हम बनाने वाले हैं और सीधे जो चैन सिस्टम होता है होलसेल का और रिटेल का, दो लोगों का मार्जिन हटाते हुए डायरेक्ट हम आपको कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, तब ये लहंगा 25,000 में कस्टमर तक मिल रहा है। अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये मेरा सेकंड सेक्शन है, इस तरीके के मेरे 5 सेक्शन है, 5 सेक्शन, अगर मैं सबको इसी तरीके से दिखाऊंगा तो आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप जैसा बताइए मैं आपको और चीज़ें इसी तरीके से दिखाता रहूँ। देखिए ये तो मैंने देख लिया, आपके पास कलेक्शन तो बहुत ज़्यादा है और दिखाते दिखाते बहुत टाइम लग जाएगा, तो अगर कोई कस्टमर आप तक पहुँचना चाहे तो क्या एड्रेस उसके लिए रहेगा? आप अपने शोरूम का एड्रेस बता दीजिए। हमारा नाम, हमारा शोरूम का नाम समझ लीजिए पोशाक, पोशाक द शादी हाउस, और स्क्रीन पे आप हमारे नंबर शो आउट कर दीजिए। आप जितने भी कस्टमर फरखाबाद ज़िले के आसपास के, हमारे कन्नौज के, हमारे मैनपुरी, शाहजहाँपुर, हरदोई, कानपुर, लखनऊ, बड़े बड़े दूर के कस्टमर हमारे पास आते हैं
और स्क्रीन पे हमारा नंबर दे दीजिए, पोशाक द शादी हाउस, पक्का पुल, गुदड़ी, फरुखाबाद, दुकान नंबर 2। ये थे आमिर भाई पोशाक द शादी हाउस के ओनर। इन्होंने मुझे बहुत सारी वैरायटीज दिखाई और अभी भी बहुत सारी वैरायटी बाकी हैं क्योंकि इतनी बहुत सारे इनके पास आइटम लगे हुए हैं। तो आमिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम हमें देने के लिए। बिल्कुल सर, आप आए मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अगर आप चाहें तो मैं चलते चलते एक आपको ब्लेजर्स का सेक्शन और दिखा दूं, यहीं पास में है। एक ब्लेजर का सेक्शन और देख लेते हैं। ब्लेजर 3 पीस 2 पीस वो सब सेक्शन है। अभी ये ब्लेजर के सेक्शन आप देख लीजिए, सर्दी का मौसम आ रहा है, विंटर सीजन आ रहा है, आप ब्लेजर के सेक्शन को देखिए। ये वूलन के ब्लेजर, एक से एक प्यारे ब्लेजर हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। 3 पीस 2 पीस ब्लेजर, कोट पैंट, सारी चीजें अवेलेबल हैं। एक से एक प्यारी गर्म कपड़े में, इंडो वेस्टर्न।